हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। सभी भाइयों को बहुत दिक्कत आ रही है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जो भी नए कैनन के प्रिंटर यूज कर रहे हैं, मॉडल नंबर मैं मेंशन कर देता हूं, G2020 2030 2060, है ना। ये जो नई सीरीज़ आई है कैनन की, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है कि भाइयों को मैसेज आता है डिस्प्ले पे, उसमें लिखा रहता है मेंटेनेंस कॉटेज फुल, एरर कोड जो होता है 1726 करके एक एरर आता है ना। उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो मेंटेनेंस कॉटेज होती है, मेंटेनेंस कॉटेज मतलब इंक पैड जो होता है इसका, प्रिंटर का होता है, वो फुल हो जाता है, इस कारण से वो एरर आता है। तो आपको उसको यूज कैसे करना है, चेंज कैसे करना है उसको, तो इसमें सिंपल है। प्रिंटर में बस प्रिंटर के आप साइड में ये देखिए, पीछे साइड एक स्क्रू दिया हुआ है, इस स्क्रू को आपको ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे एक मेंटेनेंस कॉटेज लगी हुई है, इसको आपको आफ्टर मार्केट परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपका प्रिंटर वारंटी पे भी है, वारंटी में भी होने के बावजूद भी ये यदि एरर आ रहा है, तो ये आउट ऑफ वारंटी ही रहेगा। इसमें कैनन को आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगी। ये जो पार्ट होता है, ये चार्जेस बेस में ही चेंज होगा आपका, वारंटी में भी, है ना। अब इसका कारण क्यों होता है कि ये मेंटेनेंस फुल इतनी जल्दी क्यों आने लग जाता है एरर, वो भी कुछ प्रिंटरों में ही ऐसा हो रहा है। कारण ये है कि देखिए, अपन क्या करते हैं, जब प्रिंटर ऑन करते हैं, जब ऑन तो करते हैं प्रिंटर, मगर जब कभी लाइट गोल हो जाती है, या कई बार अपन डायरेक्ट प्रिंटर बंद कर देते हैं, ये अपने को नहीं करना है। प्रिंटर जैसे ऑन हुआ है उसको वैसे ही ऑफ करना है, जब पूरी लाइट इसकी ऑफ हो जाएगी फिर प्रिंटर को बंद करना है। यदि ये आप कंटिन्यू करोगे, यदि ये डायरेक्ट प्रिंटर बंद हो जाएगा या डायरेक्ट तार आप निकाल दोगे, तो प्रिंटर सोचता है कि हेड बीच में रुक जाता है, तो वो सोचता है कि मेरे को अब क्लीन करना है हेड को, वो पूरा डायग्नोस करता है कलर हेड को भी, ब्लैक हेड को भी, तो उसके चक्कर में वो इंक वेस्ट करता है। इंक वेस्ट करने के चक्कर में ये आपकी मेंटेनेंस कॉटेज फुल हो जाती है। ये आपको कहीं पे भी स्टोर से, जो कैनन का पिग्जमा स्टोर है आपके शहर में होगा, वहाँ से आप इसको एथराइज कैनन की पैकिंग में ले सकते हैं। इसकी जो कॉस्टिंग होती है अराउंड 850 से 900 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा ये, है ना। इसको आप परचेस करिए। इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसको बस आपको परचेस करना है, और आप खुद से इसको चेंज कर सकते हो, कहीं भी घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ये देखिए, ये ऐसी पैकिंग में आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका सीरियल नंबर लिखा रहता है, आपको ये ऐसे लगाना है। अभी मैं इसका डब्बा बॉक्स किनारे कर देता हूँ, ये ऐसे लगाना है, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर दो तो पापा, चलो ये है मेरे पास। अब मैं आपको एक बार इसको खोल के दिखा देता हूँ। ये मेरे पास नया प्रिंटर है, मैं एक बार इसको लगा के खोल के चेक कर बता देता हूँ कैसे करना है आपको। ये देखिए कैसे स्क्रू ड्राइवर से इसको खोल लेना है आपको। खोलने के बाद बढ़िया ऐसे बस निकालना है, और इसको पकड़ के ऐसे खींच देना है। अब देखिए, ये मेरी नया प्रिंटर है, तो इसमें देखिए कोई भी इंक पैड, अभी कोई भी इंक नहीं हुआ, ये पूरा खाली का खाली है, ठीक है। इसको आपको किनारे कर देना है, और ऐसे ही फिर आपको ये दोबारा बस स्लाइड करके इसको लगा के फिक्स करके इसको आपको पैक कर देना है, ठीक है। ये आपका इंक पैड चेंज हो जाएगा बस, इसमें और आपको कोई परेशानी नहीं है। मैं वापस इसका जो मेरा लगा था वो मैं लगा देता हूँ। एक्चुअली इंक पैड में क्या, इसमें चिप लगी रहती है, ये आपको देखिए दिख रही होगी चिप, है ना। ये चिप का काम क्या होता है, ये चिप डायग्नोस कर लेती है कि आपने प्रिंटर को कितने बार हेड क्लीन कर लिया है, उससे ये अनुमान लगा लेती है कि आपका इंक पैड फुल हो गया है क्या। ये कंपनी ने अपडेट इसलिए दिया है क्योंकि जो उसके पुराने वाले मॉडल होते थे, जो मॉडल नंबर मैं बताना चाहूँगा, G2020 2030 2040 2010, ये जो पुराने मॉडल हैं कैनन के, इनमें क्या दिक्कत आती थी, जैसे अपन हेड क्लीन करते थे ना, बहुत ज़्यादा हेड क्लीन कर रहे हैं, कई कस्टमर ध्यान नहीं देते थे, तो यहाँ नीचे से पूरा इंक लीकेज करने लग जाता था, और इंक पैड को खोलने के लिए, इंक पैड को चेंज करने के लिए पूरा प्रिंटर खोलना पड़ता था।
इस कारण से कंपनी ने इतना आसान तरीका दिया है कि आप खुद से ही इसको चेंज कर सकते हो। बस आपको ये परचेस करना है, इसको मेंटेनेंस कॉटेज बोला जाता है, इसको बस आपको परचेस करना है। परचेस करके बढ़िया आप इसको आप लगाइए और प्रिंटर अपना वर्किंग में फिर से ला सकते हैं, है ना। इसके साथ एक आपको बॉक्स पे ये खाली पॉलीथीन मिलेगी, ये पॉलीथीन में आपको पुराना वाला इंक पैड पैक करना है और इसको आप कहीं पे भी डस्टबिन में फेंक दीजिएगा, ठीक है सर। ओके।